आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक और प्रिंट ऑफ पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो और भी अच्छी बात है ना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसा लगता है जैसे कि RO ARO, ये वास्तविकता है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर निरस्त होने के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अच्छा खासा नाराज चल रहा है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हुए भी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इग्नोरिटी कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक विद्यार्थी एकजुट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो परीक्षाएं इन्होंने कैंसिल करी है उसका एग्जाम डेट नहीं बना पा रहे हैं, शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, कभी सरकारी सेंटरों का हवाला देते हैं, कभी चुनाव का हवाला देते हैं, जबकि लोक सेवा आयोग का इन सभी प्रक्रियाओं से कोई लेना लाना नहीं। और ऊपर से जब पांच पांच छह छह साल से जो विज्ञापन जारी नहीं हुए, अधियाचन आकर के वहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अपनी है, वही ढाक के तीन पात है ना। तो इन सभी समस्याओं से निराकरण तभी हो सकता है जब विद्यार्थी एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अभी 25 तारीख को इलेक्शन है प्रयागराज में, ठीक है, उसके बाद चीजें कैसे आसान हो पाएंगी? क्या जरूरत थोड़ी ना है, भले अभी तो मतलब इन्होंने बोल दिया कि हम 22 तारीख के बाद इस चीज का डिक्लेरेशन करने चलना है, ठीक है, कि हम भैया दे देंगे, हम विज्ञापन दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। अब 22 तारीख के बाद जब इलेक्शन 25 तारीख के बाद इलेक्शन हो जाएगा तो फिर दो चार पांच परीक्षाओं की जो है उद्घोषणा ही कर देंगे कि हमने जो परीक्षाएं कैंसिल करी थी वो परीक्षाएं इस तारीख पे होने वाली है। नए विज्ञापन का क्या, जो विज्ञापन जो अधियाचन आकर के इतने दिन से पड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए हम सभी लोग भी थोड़ा सा जो है जोर नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि विद्यालय चल रहा है। और जैसे ही ये चीजें यहां पर समाप्त होती हैं तत्काल ही आप लोगों के लिए कार्य स्टार्ट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार LT ग्रेड के लिए जो ताकत लगाई जा रही है, अगर ये ताकत पहले लग गई होती तभी तक LT ग्रेड के आवेदन संपूर्ण हो चुके होते, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थियों की भी उदासीनता रही और साथ साथ विद्यार्थी इस चीज को लेकर के भी ज्यादा उत्साहित नहीं रहे, सपोर्टिंग नेचर नहीं रहा उनका, जिसकी वजह से चीजें उतनी आसान नहीं हो पाई। लेकिन इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परीक्षा कैलेंडर को लेकर के आप लोगों के मन में जो भय है वो भय बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें ऐसा अपने आप को दिखा रहा है, काम करते हुए दिखाना चाहता है और जो जरूरी कार्य है वो नहीं हो पा रहे है ना। तो 25 तारीख तक का वेट करिए आप लोग और सारी चीजें आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। वैसे भी शासन का आदेश है कि भाई जितने भी आपके पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उनका अध्याचन मंगाया जाए। ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की आज 4 साल से चल रही हैं कि पद मंगाए जाए, पदों का वेरिफिकेशन हो, ये हो, वो हो, दुनियादारी, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन विद्यार्थी हित में क्या है, समय से विज्ञापन जारी हो, समय से उसकी परीक्षा हो, समय से उसका परिणाम जारी हो। और UP SSC तो भैया महान संस्था है, उसके बारे में तो बात इसीलिए हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। वजह यही है कि वो एक महान संस्था है, इतनी महान संस्था है कि वो विज्ञापन जारी करने के बाद यही भूल जाती है कि हमने विज्ञापन किसका जारी किया था, है ना। परीक्षा कराने के बाद वो यही भूल जाते हैं कि हमको परिणाम किसका जारी करना है। तो महान संस्था है UP SSC। रही बात आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो हम सभी लोगों ने लगातार इस चीज के लिए ज्ञापन दिए हैं और परीक्षा की तिथियां घोषित करने के लिए, परीक्षा कैलेंडर घोषित करने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए अब हम सभी लोगों का भी दबाव है। आप सभी लोग भी थोड़े से प्रोएक्टिव होइए, सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर अभियान चलाइए, है ना, हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराइए,
तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम सभी लोगों के माध्यम से ये चीजें आए दिन आप लोगों को समाचार पत्रों में एल्टी ग्रेड और जीएससी लेक्चर के लिए चीजें देखने के लिए सुनने के लिए मिल रही, पढ़ने के लिए मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग भी थोड़ा सा अगर एक्टिव होंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की ये बातें क्लियर हो गई हैं कि जितनी भी आपकी सीटें रिक्त हैं, ठीक है, चाहे वो 2016 की हो चाहे वो 2021 की हो, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो पद रिक्त हैं उन पदों का वेरिफिकेशन कराइए, कहीं समायोजन में कहीं किसी भी तरीके से जो है वो सीटें भरी तो नहीं है। अगर जो सीटें रिक्त हैं वो किस कैटेगरी की हैं, किस वर्ग की हैं, किस सब्जेक्ट की हैं, ये चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और जो वो केसेस चल रहे हैं आपके कोर्ट में माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड को लेकर के, वो सारी चीजें आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए। और इन केसों का फाइनल डिसीजन लेने के बाद जो विद्यार्थी इसके लाभ में आते हैं उन विद्यार्थियों को जो आप काउंसलिंग कराइए और सारी चीजें फाइनल करिए। उसके बाद भी जो सीटें बच जाती है उसको पुराने विज्ञापन अर्थात 2022 के विज्ञापन में ऐड कर दीजिए। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि हम लोगों को जो पदों की संख्या है वो आपकी जुलाई में इसका पूरा जो है आप लोगों को शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा क्या कितने पद किस विषय में किस कैटेगरी में आए हैं, ठीक है ना। इसमें आप सभी लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। और मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि जुलाई में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और ये कह देना गलत है कि आयोग है तो हमें 2-3 महीने का समय देगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि पहले से ही शासन सोच करके रखता है कि 2-2.5 साल का वक्त बहुत होता है, ठीक है ना। 2-2.5 साल का वक्त बहुत होता है, इसका मतलब है कि वो भी मान करके चल रहे हैं कि विद्यार्थी पढ़ करके उब गए हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। और जाहिर सी बात है आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आयोग आप सभी लोगों को बिल्कुल भी समय देने के मूड में नहीं है। एग्जाम डेट घोषित होगा, 10-15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा अधिकतम, अगर आपको समय मिल गया 25 दिन का समय मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी है। तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भैया देखो टफ होने चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं, ठीक है ना। तो कंपटीशन को टफ मान करके कि चलो अगला विज्ञापन आएगा फिर देखेंगे, तो भैया इतने दिन से रह करके करें क्या। इस बार 2022 का विज्ञापन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2024 का विज्ञापन आपको साल के अंत में मिलेगा, अक्टूबर नवंबर में मिलेगा, फिर उसकी परीक्षा पता नहीं जो है मतलब 25 में होगी कि 26 में होगी कि जब असेंबली इलेक्शन नजदीक आएगा तब होगा, तो इन चीजों को समझना होगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि तैयारी आप सभी लोगों की ऐसी होनी चाहिए जो कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा सके। 9841-43-13-85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब आप भाई बहनों को मैं बता दूं, किसी भी भाई बहन को, ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से नहीं जोड़ा जाएगा, अस्पष्टता बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितने लोग जुड़ने थे जुड़ गए हैं, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं फिर वो अब जाए कमल झराए अपना, ठीक है, क्योंकि मैं लगभग 2 महीने तक आप लोगों को जोड़ने की कोशिश किया हूं। बहुत से लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, भैया अब नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार आपके डॉक्यूमेंट लेकर के हम प्रयागराज जाएं, है ना, और हम परेशान हो ये चीजें नहीं होंगी, तो अब आप लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का जो फाइनल चीजें होनी है अब वही चीजें चल रही है, अब किसी को जोड़ने वोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से, तो ये भी जानकारी प्राप्त हो गई है, 10 जून के बाद आप लोगों को एग्जाम डेट की नई जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये परीक्षा आपकी जुलाई में होने चल रही है या अगस्त में होने चल रही है, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये परीक्षा आपकी अगस्त के अंदर अंदर हो जानी है, ठीक। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9841-43-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और लोक सेवा आयोग इस समय थोड़ा सा दबाव में इसलिए भी है क्योंकि लगातार विद्यार्थियों का हुजूम, भाई ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब बहुत से विद्यार्थी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से जो विद्यार्थी एकत्रित होते हैं हम लोग जाते हैं लगातार ज्ञापन दे रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के भले के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दबाव तो है ना, और ये दबाव जाहिर सी बात है कारगर सिद्ध हो सकता है जब आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो दबाव कितना भी हो
मजबूत दबाव होगा लेकिन छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार की चिंता बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि हमारा एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सारी जो है विज्ञापन की तिथियां परीक्षा कैलेंडर में नहीं होगा और ये विज्ञापन आपका लटकेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के जो तमाम चीजें थी, अपडेटेड नियमावली को लेकर के, इन सारी चीजों पर पूरी तरीके से फैसला हो चुका है। बस यही है कि थोड़ा सा चुनावी सीजन चल रहा है, विपक्षी टाए 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 करने लगेंगे कि भैया ये जो है मतलब चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा किए हैं, आयु सीमा में छूट दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा जो है वो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन मान सकता है। बाकी सारी चीजें आपकी फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी हैं और चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद, अर्थात जब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद फिर देखिएगा आयोग वगैरह कितनी तेजी से काम करता है, ठीक है ना। सारी प्रक्रियाओं को वो कंटिन्यू रखा जाएगा और एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग के माध्यम से यथाशीघ्र आने वाला है, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए, आप लोग सुकून से शांति से तैयारी करने लग जाओ बस, ठीक। जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे हमारे सीनियर भाई बहन कि आरओ पहले होगा कि पहले पीसीएस होगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसका इस यक्ष प्रश्न, क्योंकि यक्ष प्रश्न नहीं हो गया ये, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को 26 मई के पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना होइए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपने सार्थक भाई को स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट बिहार एस टेट टीजीडी पीजीडी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा का डीएसएसबी यूजीसी नेट जीआरएफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त करके उससे सफलता अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।